सागर जिला अस्पताल के मर्चुरी में 15 दिनों में 2 शवों की आंखें गायब होने के मामले में स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। अस्पताल की मर्चुरी में सुधार कार्य किए जा रहे हैं। मर्चुरी में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसको देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने जिला अस्पताल की मर्चुरी में आने वाले शवों को आगामी व्यवस्था होने तक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की मर्चुरी में रखवाने की व्यवस्था कराई गई है। सभी शव बीएमसी की मर्चुरी में ही रखे जाएंगे ताकि घटना दोबारा ना हो सके। सिविल सर्जन डॉक्टर ज्योति चौहान ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर CMHO द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मर्चुरी की घटनाक्रम की जानकारी मिली थी, उस समय वह राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला में गई थी, चार्ज डॉक्टर सुधीर जैन के पास था। मुख्यालय लौटने पर तत्काल मर्चुरी की बिजली की जनरेटर से कनेक्ट कराया गया था ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। साथ ही घटना के बाद मर्चुरी के अंदर पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट कंट्रोल कराया गया था, जिससे चूहे अंदर ना आ सके। मर्चुरी में CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं, लेकिन 19 जनवरी को फ्रीजर में सब रखे जाने के बाद भी घटना हुई। CCTV कैमरों के फुटेज देखे गए हैं, लेकिन फुटेज में कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। वही घटनाक्रम सामने आने के बाद जांच करते हुए प्रबंधन ने मर्चुरी में लगे CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले। CCTV फुटेज में कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई और ना ही मर्चुरी में आते जाते किसी को देखा गया, लेकिन कैमरे में एक चूहा नजर आया है जो मर्चुरी में रखे डीप फ्रीजर के अंदर बाहर आते जाते दिख रहा है, जिससे शवों की आंखें चूहे द्वारा कुतरना माना जा रहा है। 4 जनवरी को जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखे मृतक मोतीगौंड निवासी आमेट के शव की आंख गायब हुई थी। उस समय फ्रीजर खराब होने के कारण शव मर्चुरी में खुली टेबल पर रखा गया था। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी। इसके बाद दूसरी घटना 19 जनवरी के सामने आई। इस घटना में मर्चुरी के फ्रीजर में रखे मृतक रमेश अहिरवार निवासी किशोर न्यायालय के पीछे सागर की डेड बॉडी की आंख गायब मिली। घटनाक्रम सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए CMHO एक्शन में आई और संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।